हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के द्वारा इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है। अभी इसकी फुल नोटिफिकेशन आएगी। आपने पिछले साल, आप में से बहुत सारे बच्चों ने EPFO, EOAO और EPFO APFC का एग्ज़ाम दिया होगा 2 जुलाई को जो हुआ था। अब ये जो वैकेंसी है ना, वो भी EPFO में ही है, बट वो EOAO और APFC से रिलेटेड नहीं है। वो है EPFO में पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी हैं। टोटल 323 वैकेंसी हैं। जो ये पेपर होगा वो UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद भी रीड कर सकते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे आप देखिए 323 वैकेंसीज, ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन EPFO, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो EPFO है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। EPFO में जो ये वैकेंसी है वो है पर्सनल असिस्टेंट की। टोटल 323 वैकेंसीज यहाँ पे निकलेंगी। यहाँ पे आप जनरल की देख सकते हो 132, और EWS में 32, OBC में, SC में, ST में, ये आप सारा रीड कर सकते हो, ओके। यहाँ पे फॉर्म कब फिल करने शुरू किए जाएंगे, ये देखो आप, यहाँ पे 7 मार्च से लेकर 27 मार्च ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन 7 मार्च से लेके 27 मार्च। और ये अच्छा मौका है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिंपल ग्रेजुएशन बेस है, ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन की है सिंपल, उस बेसिस पे ये है। तो EPFO की पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी टोटल 323।